हाय एवरीवन नमन आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड और बैक एंड पे फ्रंट एंड क्या होता है बैक एंड क्या होता है दोनों पे हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं चालू करते हैं फर्स्ट इज फ्रंट एंड फ्रॉम फ्रंट एंड नेम वी कैन अंडरस्टैंड कि ये क्लाइंट साइड होती है जो भी हम चीज डायरेक्टली देख सकते हैं डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्रंट एंड इमेजेस टेबल्स बटन्स नेविगेशन मेन्यू ये सारी चीज़ें जो भी हम वेबसाइट पर डायरेक्टली देख सकते हैं ये सब फ्रंट एंड के अंदर आता है रिस्पॉन्सिवनेस परफॉर्मेंस ये सारी चीज़ें जो होती है फ्रंट एंड डेवलपर्स के हाथ में होती है लैंग्वेजेस फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जो यूज़ होती है वो होती है एच टी एम एल जो स्ट्रक्चर डिफाइन करती है सी एस एस जो स्टाइलिंग डिफाइन करती है जावा स्क्रिप्ट जो रिस्पॉन्सिवनेस या कह सकते हैं कि एक मैजिक एलिमेंट प्रोवाइड करता है जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्कस फ्रेमवर्क जैसे एंगुलर जे एस और रिया जे एस भी काफी हमें रेडिली कॉम्पोन प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं वेबसाइट सब था फ्रंट एंड के बारे में तो करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जो भी चीज हम देख सकते हैं ऑन वेबसाइट एवरीथिंग दैट वी कैन डायरेक्टली सी एज यूजर कम्स अंडर फ्रंट एंड डेवलपमेंट अब बैक एंड के बारे में चालू करते हैं बैक एंड इज सर्वर साइड ऑफ एनीथिंग सर्वर साइड का मतलब है जैसे जहां भी हमारे हमारा डेटा अरेंज करना पड़ता है या टेबल्स टेबल जनरेट टेबल जन करनी पड़ती है डेटा स्टोर करना पड़ता है एनी थिंग दैट वी कांट सी कम्स एंड अ बैक एंड ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें ए पी आई जनरेट करनी है ए पी आई मतलब रिक्वेस्ट हो गया लाइब्रेरीज क्रिएट करनी है वर्किंग विथ सिस्टम डेटा बेसिस डेटा बेसिस के साथ काम करना है तो ये जो सारी चीज होती है दैट कम्स एंड अ बैकंड इंजीनियरिंग ठीक है द लैंग्वेज दैट वी कैन यूज फॉर बैक एंड इंजीनियरिंग आर पी एच पी सी प्लस प्लस एंड जावा ये सब हम बैक एंड इंजीनियरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ये था मेजरली फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंजीनियरिंग आई होप आप सबको समझ में आया होगा थैंक यू